लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से ये खबर सामने आ रही थी कि तनुश्री दत्ता बिग बॉस 12 के घर में एंट्री कर सकती है। इस खबर पर अब मनसे का रिएक्शन सामने आ चुका है। मनसे लीडर अमय खोपकर ने ये साफ कह दिया है कि अगर तनुश्री दत्ता ने बिग बॉस 12 के घर में एंट्री ली तो वो इस शो को नहीं होने देंगे और सेट पर तोड़फोड़ भी करेंगे। मनसे की टीम ने लोनावला जाकर शो के मेकर्स को इस बारे में एक धमकी भरा लेटर भी सौंपा है। अमय ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मुझे पता चला कि तनुश्री दत्ता बिग बॉस जैसे शो में जा रही हैं, तभी मैंने ये बयान किया था कि अगर बिग बॉस के लोग इनको शो में एंट्री देते हैं तो हम बिग बॉस नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि तनुश्री दत्ता ने जो आरोप हमारी पार्टी पर लगाए हैं और इसका इस्तेमाल करके अगर वो बिग बॉस जैसे शो में जाना चाहती हैं तो बिग बॉस को नहीं चलने देंगे। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया में कुछ वक्त पहले ही ये सुर्खियां बनी हुई थी कि बिग बॉस में वो अपनी बहन इशिता शर्मा के साथ कंटेस्टेंट बनकर जाने वाली है। हालांकि एक इंटरव्यू में तनुश्री ने बिग बॉस में जाने से साफ इनकार कर दिया था। 10 साल बाद भारत लौटी तनुश्री दत्ता ने एक इंटरव्यू में एक्टर नाना पाटेकर के अलावा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पर भी गंभीर आरोप लगाया है। तनुश्री ने आरोप लगाया था कि नाना पाटेकर ने गुंडे भिजवा कर उनकी गाड़ी पर हमला किया था। तनुश्री दत्ता ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि फिल्म हॉर्नो के पुलिस के सेट से वो जैसे ही बाहर निकले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, यह हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।